ये एक यूरोपियन डार्क फैंटेसी मूवी है। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक राजा और रानी को दिखाया जाता है जो कि लॉन्ग ट्रेलर्स नाम के राज्य में रहते थे। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था और रानी को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन दुख की बात ये थी कि रानी कभी भी माँ नहीं बन सकती थी और इसी वजह से रानी बहुत दुखी रहती थी। राजा ने पूरे राज्य से सारे हकीमों को बुलाकर रानी का इलाज करवाया मगर कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। एक रात महल में एक लंबा बूढ़ा आदमी आता है। वो राजा से कहता है कि मैं आप दोनों की मदद कर सकता हूँ। राजा उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुमसे पहले बहुत से लोग आए मगर वो लोग हमारी मदद नहीं कर पाए, तो तुम कैसे मदद कर पाओगे। तो वो बूढ़ा आदमी राजा से कहता है कि आप बच्चे को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो। तो राजा कहता है कि हम बच्चे को पाने के लिए आखिरी हद तक जा सकते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी राजा से कहता है कि वो जानता है कि नेचर किस तरीके से काम करता है, ये दुनिया पूरी बैलेंस में है। अगर वो लोग एक जिंदगी को चाहते हैं तो उन्हें एक जिंदगी देनी भी होगी ताकि सब कुछ बैलेंस में रहे, और इसके लिए राजा और रानी मान जाते हैं। और वो बूढ़ा आदमी राजा को बताता है कि राजा को पानी में रहने वाले एक बड़े से व्हाइट मॉन्स्टर का शिकार करना होगा और उसका दिल निकाल कर लाना होगा। उस दिल को एक ऐसी औरत पकाएगी जो अकेली रहती हो और पूरी तरह से वर्जिन हो। फिर उस दिल को रानी को खाना होगा जिससे रानी प्रेग्नेंट हो जाएगी। अगले दिन राजा उस मॉन्स्टर के शिकार पर जाता है जो कि वो मॉन्स्टर पानी में सो रहा था। तो राजा चुपके से उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे मार देता है, मगर इस लड़ाई में राजा को भी चोट लग जाती है जिसकी वजह से राजा की भी मौत हो जाती है। वहाँ पे रानी आती है जिसे राजा के मरने का कोई गम नहीं था, और वो उस मॉन्स्टर का दिल लेके वहाँ से चली जाती है। और अब उस दिल को पकाने का काम एक लड़की को दिया जाता है जो कि अकेली रहती थी और पूरी तरह से वर्जिन थी। वो लड़की जब उस दिल को पका रही होती है तो उसकी स्मेल सूंघने की वजह से वो लड़की भी प्रेग्नेंट हो जाती है। अब उस दिल को पकाकर रानी के सामने लाया जाता है और रानी उसे खाना शुरू कर देती है। अब रानी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। थोड़े टाइम के बाद रानी और वो लड़की अपने अपने बच्चे को जन्म देती है और वो दोनों लड़के थे। रानी अपने बेटे का नाम इलियास रखती है और वो नौकरानी अपने बेटे का नाम जोनस रखती है। अब कहानी हमें 16 साल बाद की दिखाई जाती है और अब वो दोनों लड़के बड़े हो चुके थे। वो दोनों लड़के एक जैसे दिखते थे और थोड़े अलग भी थे। उनके सर के बाल सफेद थे और वो दोनों काफी वक्त साथ में बिताया करते थे। उन दोनों में एक खास बात थी कि वो पानी में सांस ले सकते थे, लेकिन रानी को नहीं पसंद था कि उसका बेटा एक नौकरानी के बेटे के साथ खेले। रानी काफी बार उन दोनों को अलग करने की कोशिश करती है मगर वो दोनों किसी न किसी तरह एक दूसरे से मिल ही लेते थे। रानी अब नौकरानी के बेटे से काफी तंग आ जाती है और वो नौकरानी को बुलाकर कहती है, अगर अब मैंने तुम्हारे बेटे को मेरे बेटे के साथ देखा तो मैं उसे बहुत बुरी सजा दूंगी। अब नौकरानी फैसला करती है कि वो अपने बेटे को यहाँ से लेकर चली जाएगी। इलियास जोनस को रोकने की कोशिश करता है मगर जोनस नहीं रुकता। जोनस जाने से पहले वहाँ के पेड़ की एक जड़ काटता है और वहाँ पे पानी बहना शुरू हो जाता है। जोनस इलियास से कहता है कि जब तक ये पानी साफ होगा तो समझ लेना कि मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, मगर ये जब लाल होने लगे तो समझ लेना मेरी जान को खतरा है। और उसी के साथ जोनस वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे कई महीने गुजर जाते हैं। इलियास रोज पानी देखने आता था लेकिन एक दिन वो पानी लाल होने लगता है। इलियास समझ जाता है कि जोनस किसी मुसीबत में है और वो अपनी माँ को बिना बताए जोनस की तलाश में निकल पड़ता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे जोनस का घर मिल जाता है जहाँ उसने अब एक लड़की से शादी भी कर ली थी क्योंकि अब वो दोनों हमशक्ल थे। तो वो लोग इलियास को जोनस समझ लेते हैं मगर पूछने पर पता चलता है कि वो जंगल में गया है और अब 5 दिन हो गए वो वापस नहीं लौटा। इलियास भी अब उसके पीछे जंगल में चला जाता है। दूसरी तरफ रानी को इलियास की चिंता होने लगती है और वो अपने पूरे राज्य में उसकी तलाश करती है मगर वो किसी को नहीं मिलता। तो रानी उस बूढ़े आदमी को बुलाती है जिसने शुरू में भी उनकी मदद की थी और उसका ऑफर वही था कि अगर रानी अपने बेटे को वापस चाहती है तो जान के बदले जान, और रानी इसके लिए मान जाती है। जंगल में जोनस किसी गुफा में फंस गया था और वो काफी जख्मी था, तभी एक उड़ने वाला मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। जोनस की चीखे सुनकर इलियास उसे ढूंढ लेता है और अपनी तलवार से उस मॉन्स्टर को मार देता है, मगर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने असल में अपनी ही माँ को मार डाला है। मगर यही सौदे का हिस्सा था जो उस बूढ़े आदमी ने महारानी से किया था। जोनस को अपनी जिंदगी वापस मिल जाती है, इलियास किंगडम का राजा बन जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। थैंक यू।